हाय दोस्तों, कैसे सभी आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए जो गांव में जो देसी भरता बनाते हैं ना, आज आलू और टमाटर का देसी भरता आप लोगों के लिए लेके आए हैं। और जो कि आप खा के जो होटल्स में जो चीज़ें मिलती हैं उनको भूल जाएंगे आप। तो आज हम ये बनाने वाले हैं, उसके लिए आइटम बता देते हैं क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने क्वांटिटी के हिसाब से, जितनी बड़ी फैमिली है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से टमाटर लेने हैं। और ये हमने आलू पहले से बॉईल कर लिए हैं, जिससे ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका और जल्दी से जल्दी आपको बता पाए। और उसके बाद हमें प्याज कट कर लेना, जो कि हमने पहले से कट करके रखा हुआ है। इसके बाद फिर हमने धनिया को भी काट लिया है, और थोड़े से अपने मिर्च, जितना आप मिर्च खाते हो उसके हिसाब से, और फिर नींबू जितना आप डाल सको। और इसमें हम क्या करेंगे कि, और ये नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है इसमें। ये जो भी हम बनाएंगे उसमें आप पराठे खा सकते हैं, पूड़ियाँ खा सकते हैं, और बहुत सारा है जो इतना टेस्टी लगेगा कि आप रेस्टोरेंट का खाना भी भूल जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों। सबसे पहले जैसे कि अभी हमने आलू को बॉईल कर लिया है, और बॉईल करने के बाद अब इन टमाटर को भूंजना जरूरी है। भूंजने के बाद इनका जो छिक्कल होता है, छिक्कल को निकालेंगे। तो सबसे पहले इनको हम गैस में भूंज लेते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, गैस में इनको भूंजते हैं। दोस्तों हम अपनी किचन में आ गए हैं, अब इन टमाटर को भून लेते हैं। तो सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेते हैं, गैस को ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद इस टमाटर को इस तरीके से रखना है और गैस को स्लो कर लेना है, स्लो। इसके बाद फिर इन्हें हमें भूनना है, ये जब तक कि इनका जो छिक्कल है, छिक्कल ब्लैक ब्लैक ना हो जाए, तब तक इनको भूनते रहना है इस तरीके से। तो हम थोड़ा इनको भून लेते हैं, और जिससे आपका टाइम सेव हो। यहाँ पे आप देखो, जो हम टमाटर भून रहे थे, टमाटर इस तरीके से भून लेना है, ये आप देख रहे हो, ये इतने भून लेना है कि सॉफ्ट हो जाएं। क्योंकि जब हम कच्चे टमाटर को पके हुए टमाटर को भूनते हैं ना, तो वो सॉफ्ट नहीं होते, क्योंकि जब हम उनको मिक्स करेंगे आलू के साथ में सही से, तो वो सही से मिक्स नहीं होंगे। तो इनको इस तरीके से भूंज लेना है। ये तो हमारे पास गैस है, अदरवाइज अगर जिसके पास गांव में चूल्हे होते हैं ना, चूल्हों में दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से भूनता है, जिसमें कंडों की जो आग होती है उसमें सही से भूनता है। तो अभी थोड़े से रह जाते हैं, थोड़ा और भून लेते हैं, फिर भून के मिलते हैं आपसे। हाँ दोस्तों, तो अब ये देखिए, ये भून चुके हैं। तो अब इनको हम अपने प्लेट में निकाल लेते हैं, और फिर इनको अभी मिक्स करेंगे। पहले अब इनको छीलेंगे, उसके बाद फिर मिक्स करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी गैस बंद कर देते हैं। दोस्तों हमने अपने ये टमाटर अपने भून लिए, और टमाटर भूनने के बाद इनका जो छिक्कल है, अभी छिक्कल अपने चाकू की मदद से उतार लेते हैं, क्योंकि ये छिक्कल नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब इनको हम करेंगे ना, क्योंकि ये थोड़ा जल चुके हैं, तो इनको हम थोड़ा छील लेते हैं इस तरीके से। इस तरीके से छिक्कल को छील लेना है, और इस तरीके से, इस तरीके से हम दोनों के छिक्कल को उतार लेंगे, और फिर इनको दोस्तों हम मिक्स करेंगे। दोस्तों हमने अपने ये छिक्कल उतार लिए टमाटर के, और अब थोड़ा इसको हम कटिंग कर लेते हैं टमाटर की। टमाटर की इस तरीके से हम कटिंग कर लेते हैं, और जितना हो पाए, क्योंकि आपको ये हाथ से मिक्स करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने, और जितना बारीक काट पाए उतना आपके लिए सही है, कि हाँ ज़्यादा मिक्स करने में फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। इस तरीके से, इस तरीके से आप सारे टमाटर को कटिंग कर लो, और ये तो हमने आपको दिखाने के लिए दो ही टमाटर बनाए हैं। बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है, करीबन अगर आप 6 से 7 लोग हैं, और अगर एक बार अगर आप खाना चाहते हैं, तो कम से कम आप 4 टमाटर आपको करना चाहिए, 4-5 टमाटर। और वो डिपेंड करता है कि आप लोग कितना खाते हैं, उसके हिसाब से आप अपने टमाटर करें। दोस्तों जैसे कि हमने अपने टमाटर को चॉप कर दिया, और टमाटर हमारे सारे कट हो चुके हैं, अब बारी आती है आलू की। तो जैसे कि हमने थोड़े ज़्यादा आलू कर लिए, क्योंकि हमें अपने जितने हमने टमाटर भूंजे थे उसके हिसाब से करीब हमें 2 ही आलू चाहिए। तो हम ये 2 आलू उसको साइड में रख देते हैं, और अब थोड़ा सा आलू को चॉप कर लेते हैं। आलू को छोटे छोटे पीसों में काट लो। वैसे अगर आप
अभी इनको हमें हाथ से मिक्स करना पड़ेगा, तो इसलिए हम इनको छोटा छोटा सा कटिंग कर लेते हैं इस तरीके से। और आप चाहो तो हाथ से भी इनको मसल्स कर सकते हैं इस तरीके से, आप चाहो तो इनको इस तरीके से मसल्स सकते हो। और ये आपको मसल लेना है इस तरीके से, क्योंकि अगर आप हाथों से नहीं मसलोगे तो आपको ये सही से मिक्स नहीं होगा। और यहाँ पे भरते में मेन चीज़ क्या होती है कि मिक्स करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर ये मिक्स होता है तभी आपको ये अच्छा लगेगा। इसमें जितनी भी क्वांटिटी है सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसी तरीके से अभी हम इसमें टमाटर भी डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपना आलू को मिक्स कर लिया, और इसमें हम जो हमने टमाटर चॉप किए थे टमाटर को डाल देते हैं। टमाटर डाल लिया, इसके बाद इसमें अब हम अपने प्याज डाल लेते हैं, अपने जितना हम प्याज खाते हैं उसके हिसाब से प्याज डाल दिया। और इसके बाद हम थोड़े से मिर्च, जितना आप मिर्च खाते हैं, और फिर नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है। ये नमक डाल दिया, और पहले नमक का थोड़ा कम ही रखना है, क्योंकि अगर कम लगे तो बाद में मिक्स कर सकते हैं। तो अब इसको हम इस तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ये मिक्स कर लेते हैं, और आप खाएंगे तो बाकी में आपको इसका टेस्ट समझ में आएगा कि जो गांव में लोग जो भरता बनाए खाते हैं, और जो लोग शहरों में अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट में जो खाते हैं उसमें और इसके टेस्ट में आपको बहुत जमीन आसमान का टेस्ट का फर्क नज़र आना है। इस तरीके से अच्छे से मिक्स करना है इसको, जितना अच्छे से आप मिक्स करोगे ना उतना ही आपको अच्छा लगने वाला है। इसमें थोड़ा प्याज और डाल लेते हैं, थोड़ा सा प्याज और डाल लेते हैं, और पहले मिक्स कर लेते हैं, इसके बाद फिर धनिया मिलाएंगे इसमें। ये हमने आई थिंक ये मिक्स हो चुका है, अब थोड़ा सा इसमें हम धनिया डाल लेते हैं, और अब फिर मिक्स करते हैं। ये थोड़ा सा आप प्रेस करके मिक्स करना पड़ेगा, और मिक्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बगैर मिक्स के ये आपको सही नहीं लगेगा। सो दोस्तों ये हमने मिक्स कर लिया पूरा, आप देख सकते हैं ये भरता बन चुका है, और इसमें हमने प्याज टमाटर धनिया मिर्च सारी डाली है, नमक अपने स्वाद अनुसार डालना है इसमें। और ये आप दोस्तों पूड़ियों के साथ में खा सकते हो, पूड़ियों के साथ में मज़े ले सकते हो, पराठे भी। और जो लोग रोटियां खाते हैं देसी घी के साथ में, उसके साथ दोस्तों बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बनने वाला है, और बहुत अच्छा आपको टेस्ट लगने वाला है इसका। सो दोस्तों अगर हमारी मतलब ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के सपोर्ट के बगैर हमारा चैनल ग्रो नहीं कर सकता, और हम ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों से जुड़ना चाहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों तक अच्छी अच्छी एक्टिविटी है और इसी तरीके जो खाने की चीज़ें हैं या और भी एक्टिविटी हैं आपको पहुँचाते रहेंगे आप तक। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।